गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और दादी की तरफ से आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। तो स्वागत है आप सबका उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में। और आठ बज रहे हैं और व्लॉग की शुरुआत में 8 बजे कर रही हूँ। नाश्ता हमारा बन चुका है लेकिन हमने नाश्ता भी नहीं किया। सास जी खेत चले गए हैं नाश्ता करके। दादी को भी नाश्ता दे दिया था पर दादी कह रही मैं मॉर्निंग बुनूँ तू खा ले करके। तो दादी को अभी हम देंगे दलिया में, क्या पता दलिया में खा ले दादी। दलिया में दादी अच्छा खाती है। दादी मेरी दोस्त बन गई दलिया खाने वाली। और दादी का हेयर स्टाइल देखो आज खुद से बना रखा दादी ने, ये जुड़ा सुंदर सा। तो अब मेरा काम रह गया है झाड़ू लगाने का। अब मैं क्या बोल रही, अब मैं झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। हमने दादी का कमरा बंद कर रखा है पता है क्यों? क्योंकि ना दादी के कमरे में सांप जा रखा है, इन्होंने देखा ऊपर चांदनी और उन्हें देखा करके। फिर अभी दादी को बाहर लेके आ रखे, आग जला के भागते हैं। तो हैं अरे चले अभी। दादी ने गदड़ भी कैसे मचा रखा, कहीं उनके अंदर ना चला जाए। क्या करेंगे, झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ और अब हम लोग नाश्ता करेंगे। अभी थोड़ा मैं थकान मिटा रही हूँ अपनी। और आज हमारी एक और एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई है, वो ये ड्यूटी लगी है कि आज दादी को अंदर नहीं जाने देना है। पहले ड्यूटी लगी होती कि दादी कहीं घर से बाहर ना चली जाए, और आज ड्यूटी लगी है कि दादी कहीं अपने रूम में ना चली जाए। तो दादी को यहीं पर बिठा के रखना है या दादी को हम नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि दादी के कमरे का सांप अभी तक नहीं गया होगा। शायद चला गया होगा, क्या किसको पता, क्योंकि हमने देखा तो नहीं। तो डर है कि क्या पता अंदर ही ना हो, तो दादी को आज रूम में नहीं जाने देना है। तो दादी नाश्ता करेगी, हम भी नाश्ता करेंगे। तो दादी को फिर हम लेके जाएंगे नीचे नहीं वाले घर में। ना हो दादी का हेयर स्टाइल दिखाती हूँ मैं आपको, इतना मस्त जुड़ा बना रखा। वो क्या है, वो क्या है, वो कहाँ है, वो चिड़िया है कि क्या है वो? मम्मी क्यूट मत बोलो ना, सांप बोलो, क्यूट से कोई समझेगा ही नहीं। नाश्ता हम कर चुके हैं दोस्तों, और साथ साथ में मैं दाल भी चढ़ा लेती हूँ क्योंकि एकदम से भात बनाने का टाइम भी हो जाता है। फिर सब जगह का झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ और बस इन दो कमरों का झाड़ू रह गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मैं इन दो कमरों में जाने की हिम्मत रख पाऊँगी। यहाँ से चिड़िया भी उड़ रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है सांप नीचे को लटक रहा है, इतना डर लग रहा है मुझे। और दोनों दरवाजे आज बंद रखे हैं, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या कर रहे होंगे नागराज। यहाँ पे जाने, यहाँ इनफैक्ट मुझे तो यहाँ किचन में भी डर लग रहा है कि कहीं यहाँ से नीचे ना आ जाए। देखो छेद छेद से इतना डर डर के मैं यहाँ खाना पका रही हूँ। और दादी को थोड़ी देर के लिए हमने वहाँ पे बिठा रखा है ताकि मेरी नज़रों के सामने रहे, फिर मैं अपना काम पूरा करूँगी, बर्तन वगैरह धुलूँगी, तो फिर दादी को भी अंदर लेके जाएंगे। भैंसिया भी मुझे आज थोड़ा सा घबराई हुई लग रही है, पता नहीं क्या हो गया आज भैंसिया को। मैंने भात चढ़ा रखा ना, थोड़ा तुम देख लोगे उसे, दो सीटी आएगी तो बंद कर देना, ठीक है। मैं कपड़े धोने जा रही। ठीक है। आपको
मैं एक बात बताती हूँ, पता है दादी को गुस्सा क्यों आया अभी? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना सुबह से दादी के कमरे में वो जा रखा है, क्या बोलते हैं, सांप। फिर हम दादी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो ये अभी डंडा लेके गए हो कि कहीं सांप तो नहीं है करके, तो दादी के कपड़ों में। फिर दादी को लगा कि मुझे मारने आ रहे, तब से दादी गुस्सा हो रखी कि मुझे मारने आ रहे, मुझे मारने आ रहे। लेकिन कौन था ये मनुष्य जान का उससे कह दिया वो, नीचे कह दिया वो, हाँ ये नहीं बोल रहा क्या कौन मिलता। दादी को बहुत गुस्सा है, हम दादी को आज नहलाने की सोच रहे हैं। दादी बहुत खुजली कर रही है बालों में, लेकिन हमें दादी के कपड़े नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, दादी को अगर नहलाया तो दादी की बहुत सारी गाली भी खानी पड़ेगी मुझे। चलो गाली तो खा लेंगे, लेकिन कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कैसे धो दूं दादी? फिर बोलेगी ले मेरी गर्दन भी काट ली। न्यू व्लॉगर मिस्टर देवा सिंह नेगी, और ये हमारे घर पे आई हैं इसको ठीक कर। ये ठीक हो गया? किससे किया तुमने? वाह, तो देवा जी बताइए इस फैन में क्या क्या कमियां थी, थोड़ा आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं इसका इंजीनियर तो नहीं हूँ। हाँ, सही जाना पड़ेगा, और इसका मोटर चेंज करवाना पड़ेगा। मोटर फूक गई। मोटर फूकी गई। इनके चैनल का नाम है पहाड़ी बॉय भुला, पहाड़ी भुला करके है। इनको आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे कीजिए। अभी तक ये यहाँ की भी कहानी सुना रहा था, मतलब जहाँ पे हम लोगों का घर है ना, है तो राज तो खोलना पड़ेगा। अब तो राज खुलेगा ही खुलेगा कदाचित। आज की चाय बताओ यार, तुम आज की चाय कैसी बनी थी? एकदम मस्त, मन करता है 2,00,000 रुपए दे तुम, लेकिन क्या करूं, खाते में 2 रुपए नहीं। और परसों की चाय, परसों की बेहतर थी या आज की बेहतर है? दोनों दिन की बेकार थी। अच्छी थी। अरे ठीक तो है इतना। एक बात तो मैंने बहुत नोटिस करी है, पता क्या, यहाँ के बच्चे बच्चों को भी जवाब एकदम मुंह पे जुबान पे रखा होता है कि खट जवाब देना। ट्यूशन जाना पड़ेगा मुझे देवा के पास, जवाब कैसे दें करके। इनका घर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये है देवा औरों का घर और ये है उनकी खेती। जा रही हूँ अभी दूध लेने, गाय का दूध लेने। आप लोग सोच रहे होंगे भैंस बांधी हुई है फिर भी दूध लेने जा रही, तो गाय का दूध हमने लगा रखा है, तो मैं जा रही हूँ गाय का दूध लेने। यहाँ पे जाना है मुझे दूध लेने, नज़दीक ही है वैसे। सबसे पहला काम इसमें कीड़े देखना, नहीं तो कीड़े हमारे पेट में चले जाएंगे और वहाँ उनका आतंक हो जाएगा। ऐसे क्या है, क्या बोलते इसे, चुमुल बोलन, तुम क्यों बोल पाएंगे? जवाब तो जीभ में रखा है। पाएंगे जो पाएंगे समझ लो, कब है बोता नहीं, इंग्लिश में क्या बोला ना, ये बंगाल पर चल पड़ी छेमुला। छेमुला ऐसे खोल के बनाते इनको ना, खोल के बनून से खेल बेल बनून से तन के इन आप यार मसाला नहीं जोन। प्यार था इनके, प्यार मसाला भी लग गया। तो खोल, किसने बताया? हमारे फादर बनाते हैं तो फादर खोल के तो आप ही खोला।